हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली सड़कों को कनेक्ट करने वाली 19 पुलों पुल बाढ़ में बह गए हैं, जबकि भारी बारिश से 34 पुलों की काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ब्रिज बहने से 55.97 करोड़ रुपए का और क्षतिग्रस्त अन्य पुलों को 41 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की माने तो पुल की नई डीपीआर बनने के बाद इनकी लागत और बढ़ेगी। जाहिर है कि अब नए पुल बनाने पर वह वास्तविक नुकसान नहीं ज्यादा होगा। बहे और क्षतिग्रस्त पुलों के अलावा भी 250 पुलों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर 74 के करीब पुलों को 110 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। प्रदेश में भारी बारिश का कारण 1600 से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें से 555 सड़कें 16 दिन से बंद पड़ी हैं। इससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सेफ बेल्ट के लोग ज्यादातर परेशान हैं, क्योंकि फसल तैयार है मगर सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने से धुलाई पर बुरा असर पड़ रहा है। इस बार मॉनसून में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को अब तक 1740 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। कुल्लू व मंडी जिले में पुलों व सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अकेले मंडी सर्कल में 5 पुल और कुल्लू सर्कल में 8 पुल बाढ़ में बह गए हैं। रामपुर सर्कल में 2 तथा रोहडू धामी धर्मपुर और नूरपुर सर्कल में एक एक पुल नष्ट हुआ है। पुल के बहने के बाद वैकल्पिक सड़कों से यातायात चलाया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में इससे लोगों को कई कई किलोमीटर तक एक्स्ट्रा सफर करना पड़ता है।